दुनिया की सबसे अर्थ शैटरिंग न्यूज होगी अगर हमें ये पता चलेगा तो दी बेस्ट सुपरस्टार राइट नाउ ऑल एलीट रेसलिंग में जाएगा। तब देखना आप ट्वीट्स देखना बस लोगों के, ओ माय गॉड मुस्तफा अली इज इन ऑल एलीट रेसलिंग, अब तो गई WWE, अब तो गई WWE। भाई तुम लोग सीएम पंक को लेके आए थे, हुआ क्या? अब तो गई WWE में सीएम पंक। यार मत बोला करो अब ये, अब अच्छा नहीं लगता। और मुस्तफा अली जैसे तुम 50 ले लो, मेरे को उस बंदे के लिए बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज उसको फाइनली पैसा मिलेगा और काम करने का है ना। लेकिन ये कहना कि मुस्तफा अली आ गया अब देख तू नहीं। तो एस जो मा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। रेसलमेनिया 40 के बारे में अर्ली बात करने वाले, लेकिन उसके पहले मर्सिडीज मोने, क्योंकि मर्सिडीज मोने यार ये क्या है, मर्सिडीज मोने जब भी बोलना है ऐसे मोने बोलना जरूरी थोड़ी है, बट मर्सिडीज मोने अगर किसी को नहीं पता तो साशा बैंक्स जो कि यहाँ से चली गई थी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में गई, अभी तक आई थिंक ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं आई है वो है ना, एंड ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑल एलीट रेसलिंग में आ सकती है, बट साशा बैंक्स के अंदर मैं कहूँगा कि दिमाग है, जो कि मैं विल ओस्प्रे के अंदर कहूँगा कि नहीं था, जे वाइट के अंदर नहीं था, जिन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग को चूज करा ओवर WWE। इफ यू आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स फ्रॉम WWE एंड ऑल एलीट रेसलिंग और आप ऑल एलीट रेसलिंग को चूज कर रहे हो और वो 2023 या 22 का साल है, देन आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। आप कितने अच्छे रेसलर होंगे लेकिन दिमाग से आप बन गए बैल बुद्धि। लेकिन साशा बैंक्स बड़ी इंटेलिजेंट लगी, मर्सिडीज मोने के साथ साथ उनके पास ब्रेन भी है और वो ब्रेन को यूज करके उन्होंने अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में कदम नहीं रखा, विच इज अमेजिंग डिसीजन। मतलब मैं तो इसी बात पे चुम्मी दे दूं बट नहीं देने वाला मैं, और मेरे को तो ये देखना है कि जो उन्होंने बाल जला लिए थे अपने जापान जाने जाके वो अभी भी रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो बाल अगर आते हैं ना तो भाई उसकी मर्चेंडाइज तो बहुत दिखने वाली। मैं सही में बता रहा हूँ, मर्सिडीज मोने का ये वाला जो कैरेक्टर है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है और ये मोने को भी पता है, तो इसीलिए रॉयल रंबल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट मैं ये भी नहीं चाहता कि मर्सिडीज मोने आके बीच में रॉयल रंबल जीत जाए बिकॉज ये ईयर बेली और सीएम पंक का ही होने वाला है। मैं कह रहा हूँ मेंस की तरफ से सीएम पंक, वुमेन्स की तरफ से बेली, ये बन जाएंगे मेरे फेवरेट सेट ऑफ रॉयल रंबल विनर्स अब तक के। इसके पहले मेरे को एज सच मेन और फीमेल में दोनों का कॉम्बिनेशन अब तक ऐसा कोई पसंद खास आया नहीं है, लेकिन ये अगर होता है तो ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन बनने वाला है। आई मीन इमेजिन मर्सिडीज मोने जो है नंबर 30 पर एंट्री कर रही है, बेली अब तक बहुत अच्छे से लड़ चुकी है, बेली जीतने के चांसेस लग रहे हैं, एंड देन कम्स हर फॉर्मर टैग टीम पार्टनर मर्सिडीज मोने एंड देन शी एलिमिनेट्स बेली टू विन द रंबल। थोड़ा दर्द होगा बट झेल लेंगे, अल्टीमेट तो मेरा बेली ही रहेगा, बट ठीक है यार अगर मोड़े आ रही है हाथ में तो चलेगा। आफ्टर ऑल आई थिंक मोड़े ने भी तो रॉयल रंबल अभी तक जीता नहीं है तो उसका भी बनता है। अच्छा अब हम रेसलमेनिया 40 की तरफ बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जो मेजर मैचेस दिखाई दे रहे हैं, चार मेजर मैचेस जो कि रेसलमेनिया 40 के लिए पॉसिबल है, नंबर वन बीइंग सबसे पहले वुमेन्स की तरफ बात करते हैं, दो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस, बेकी लिंच एंड रिया रिपली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। डिसेंट मैच, डिसेंट भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आप शार्लेट वर्सेस रिया रिपली जैसा मैच देखोगे जो कि इतना कमाल का हो गया था रेसलमेनिया 39 में, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस की कंटेंडरशिप में था, अगर वो वैसा हो सकता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेकी वर्सेस रिया रिपली उससे भी ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि बेकी वर्सेस बियांका ने लिटरली बेस्ट मैच ऑफ द नाइट दे दिया था। वो तो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम देंगे बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, वो हो गया। अदरवाइज बियांका वर्सेस बेकी का रेसलमेनिया का मैच देखोगे 38 वाला, वो बताता है कि भाई बेकी और रिया क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो बेकी वर्सेस रिया के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, बट मेरे को उन बंदों को ढूंढना है जो कह रहे थे कि ये मेन इवेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस और जो भी होने वाला है। तुम पागल हो नहीं, अगर आप में से भी कोई सोचता तो मैं सही में कह रहा हूँ आप पागल हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीएम पंक जो कि 10 साल के बाद रिटर्न कर रहा है वो मेन इवेंट ना करके बेकी और रिया में से कोई मेन इवेंट करेगा, जस्ट बिकॉज व्हाई? बिकॉज देयर वुमेन। अबे ये कौन सा लॉजिक हुआ यार, अब तो कह रहे थे इक्वालिटी इक्वालिटी, तो इक्वालिटी तो फिर ये हुआ ना कि जो अच्छा होगा उसे रख देंगे, ये थोड़ी हो रहा है कि भाई आदमी इसीलिए रख रहे हैं, हम तो इसीलिए रख रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ी कि अब तो भैया जबरदस्ती ही है अब तो हमें वुमेन को ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई किसी दिन गलती से नटालिया वर्सेस शॉर्ट्स ही पहुंच गए तो रखोगे मेन इवेंट में, फिर मत रो ना।
खैर मेरे मेरा तो ऑब्वियस ये है कि भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक इनका भी जो मैच हो रहा है वो होना चाहिए मेन इवेंट। ये बैकी वर्सेस रिया इतना भी कमाल का नहीं होने वाला कि आप मेन इवेंट में रख दोगे, और वो हमने रेसलमेनिया 38 में ही देखा था कि नहीं हुआ था मेन इवेंट, है ना, ऑस्टिन वर्सेज ओवेंस डेड, एंड देन नेक्स्ट ईयर भी हमने देखा मेन्स के मेन इवेंट रहे, क्योंकि अगर स्टोरी लाइन अच्छी है देन देर इज नो चांस कि वुमेन्स की मैचेस मेन इवेंट करने वाले हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार। अगर अगर नहीं है मेंस की स्टोरी लाइन में तो मैं समझ सकता हूँ, नहीं तो आप स्टोरी लाइन वाइज ही जा रहे हो, चाहे मैन हो चाहे फीमेल हो। खैर अगला है बेली वर्सेस ईयो स्काई, जो कि अभी के लिए दिख रहा है रेसलमेनिया 40 के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ईयो स्काई बेल्ट नहीं हार रही, पता चल रहा है कि यार ये बंदी जो है डैमेज कंट्रोल को फोड़ने वाली मेन स्टोरी लाइन हमें रेसलमेनिया में कंक्लूड होती दिखाई देगी विद बेली फेसिंग ईयो स्काई। एंड और हो सकता है कि ये उसी का ही हो कि बेली यहाँ से रॉयल रंबल जीती एंड देन फेसिंग ईयो स्काई, माय गॉड दैट वुड बी अमेजिंग। और नॉट गोना लाइक जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को कैरी किया बेली ने, इट वुड बी फेयर फॉर हर कि वो अब चैंपियनशिप ले, अब भले ही वो ग्रुप को तोड़ के हो। तो बेली वर्सेज ईयो स्काई भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अगेन नॉट अ मेन इवेंट थिंग, ओके तो मेन इवेंट पे नहीं जा रहा मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू मेन मेजर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस, नंबर वन बीइंग सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। ऑलरेडी गूज़बम्प्स आ चुके हैं बिकॉज दिस इज द मैच दैट वी थॉट कि कभी सीएम पंक आएगा तो हमें देखने को मिलेगा, एंड वी आर एक्चुअली लिविंग इट नाउ। ओ वाओ, और भाई किसी ने ट्विटर पे बहुत भयंकर प्रोमो डाला था, वो मैं आप डाल दूंगा पिन ट्वीट में, वो जाकर आप देखना, इतना कमाल का। और मैं कह रहा हूँ कि अभी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में सेगमेंट हुए ही कितने, सिर्फ एक, और उस सेगमेंट के बदले में हमें ऑलरेडी इतने कमाल का प्रोमो देखने को मिल गया। देन जस्ट इमेजिन कि ये जो अगले 4 महीने होने वाले हैं इसके अंदर ये लोग किस ब्रुटैलिटी के साथ हमें स्टोरी टेलिंग दे सकते हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक टुगेदर, ओ भाई ये तो तहलका मचने वाला है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक इज समथिंग जो कि मैं नहीं कहूंगा कि शायद हम एज वर्सेस एजे स्टाइल से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज वर्सेस एजे स्टाइल्स ने अल्टीमेटली रेसलमेनिया में आके हक दिया था, देर इज नो चांस कि सेथ वर्सेस सीएम पंक हगने वाले ना, अगर इन्होंने हक दिया तो भाई फिर मेरा हिसाब से मेरा विश्वास उड़ जाएगा सीएम पंक से, सिर्फ सीएम पंक से, क्योंकि अगर हगाई होगी तो वो सीएम पंक के साइड से होने वाली है। बट यार जिस तरीके से वो बंदा फिजिक में अपने दिख रहा है ना, मेरे को लगता नहीं वो हगने आ रहा है। उसको भी पता है कि ये ऑल एलीट रेसलिंग नहीं है, उसको भी पता है कि यहाँ मैं कुछ 2-3 रोस्ट मार दूंगा तो उससे काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जब आ रहा है बंदा तो फिर उसे इतना बेस्ट देना पड़ता है कि अगर उसका टोन पैक भी है ना तो भी उसे अपना 135% देना पड़ता है। तो सीएम पंक को तो खैर अभी उतना कुछ नहीं है, तो ये इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के सीएम पंक के साथ क्या होने वाला है। बट सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इज दैट मैच जो कि आप इजीली रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, काइंड ऑफ लाइक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर जो कि मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला, रॉक वर्सेस ऑस्टिन मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला, तो ऐसे शायद से ये रोमन वर्सेस कोडी के लिए कर रहे हैं। एंड इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी कि यार कोडी रोड्स के लिए अभी भी इतना फैन सपोर्टिव है। एंड आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली आई थी कि रेसलमेनिया 40 में भी रोमन रेंस टाइटल रिटेन कर सकता है, इसने रोमन वर्सेस कोडी के मैच को इनफाइनाइट टाइम्स इंटरेस्टिंग बना दिया है, बिकॉज कोडी रोड्स कैन लूज 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स इन अ रो, दैट इज टू मच। और अगर लगातार 2 मेन इवेंट हारता है तो मेरे हिसाब से लाइन का जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है ना उसके भी बहुत पीछे चले जाना है कोट चाहिए कोडी रोड्स को, क्योंकि 2 रेसलमेनिया के मेन इवेंट हारना वो भी विद दैट टिपिकल सेम थिंग कि भैया मुझे अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, नहीं कर पा रहे हो पीछे भाग जाओ। और उसी के साथ साथ हल्क होगन का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा ना, वो ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात होगी रैदर की रोमन रेंस जीत गया, चलो अच्छी बात है, नहीं हल्क होगन का रिकॉर्ड टूटेगा वो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। बट क्या मैं पसंद करूँगा कि रोमन रेंस जो टाइटल नहीं हार रहा है, चलेगा as long as we have another world champion, as long as we have CM Punk, Randy Orton, as long as we have a guy जो कि world champion है, जो कि regular आ रहा है, and a world champion जो कि पूरी WWE की पहचान है, जो कि कभी कभी आके अपना रुतबा दिखा देता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Cody Rhodes उस level पे के आसपास भी अगर पहुंचता है then sure win the title man, who is stopping you? अगर नहीं पहुंच पा रहा देन रोमन रेंस के पास टाइटल सेफ है, एंड दैट इज वाई रोमन रेंस के पास टाइटल अभी तक है, दैट इज द रीजन। एनीवेज मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 40 मेरे को लगता है कि बहुत आराम से रेसलमेनिया 39 को बीट करने वाले, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग।
ऊपर से पूरा रॉयल रंबल, लाइक नॉट जस्ट रेसलमेनिया, रॉयल रंबल देन एलिमिनेशन चेंबर देन रेसलमेनिया आर गोइंग टू बी प्रीटी मच स्टैक्ड, और ये जो पूरी जर्नी वाली जर्नी होने वाली है बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है. सो आई रियली होप कि न्यू डे कह रहा हूँ, न्यू ईयर जो होगा और डे वन जहाँ से शुरू होने वाला है, जो कि बैंगर से शुरू होने वाला बाय द वे, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकइंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से. सो यू नो कि WWE इज कुकिंग सो मेनी थिंग्स फॉर दिस नेक्स्ट ईयर. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, डू यू थिंक रेसलमेनिया 34 में कुकिंग होगी या फिर हमारा ही रोस्ट हो जाएगा. कमेंट्स में लेकर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो.